ये समय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो कॉटन सीन ऑयल के एक में आज हम देख रहे हैं कि ये 2500 के ऊपर का हाई लग चुका है और 2500 के ऊपर ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, बिनौला खल में 2700 के लेवल्स पर जो ट्रेडिंग हो रही थी और 2800 का लेवल बाबर टच होते के बाद, लेकिन वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी नहीं बनी, आपको क्या लगता है, आप क्या बिनौला खल में यहाँ पे आज से 2800 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल पाएगी? क्या बिनौला खल यहाँ से और तेजी की ओर जाता नजर आ सकता है, या फिर अभी भी बिनौला खल में कुछ ट्रेडिंग सेशंस और एक सीमित दायरा रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से दायरे में से तो निकल चुका है, क्योंकि जब वो 2600 या 2700 पे भी था तो यही थी कि 2800 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 3000 के स्तर जो है वो एक लक्ष्य की तरफ ले जा सकते हैं। तो अभी भी मैं वही कहूंगा, पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई थी तो 2720 के करीब बैंक की रिकमेंडेशन थी, वहां से हम लगभग 100 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और आज भी मैं यही कहूंगा कि लगभग 2790 के करीब मिलता है तो बैंक पोजिशन बनाई जा सकती है 2720 के नीचे के स्टॉप लेकर, और लगभग 2970 के इमीडिएट टारगेट लिए जा सकते हैं, जो हो सकते हैं आने वाले हफ्ते में या दो सेशन में हमें देखने मिल जाए। जी,